सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट बजट ऑलराउंडर मोबाइल अंडर 8000। जहाँ पर आपको 8000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 8GB रैम, 256GB रोम मिलेगा, 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा और दोस्तों सिर्फ ए नहीं 32MP का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 8000 के अंदर। वीडियो को इन तक जरूर देखना और आप अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। और वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग। तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरिएंट ब्लू। मुझे जो ओरिएंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस आने वाला है इनफिनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 40i जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, उसके साथ साथ इस डिवाइस की वेट 190 ग्राम होने वाला है। डिवाइस काफी हल्का होगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, कैमरा मॉडल कुछ हद तक आईफोन जैसा होने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 480 की नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08MP का एक ऑक्सिलरी लेंस भी दिया गया है। और दोस्तों उसकी बात एक हाइलाइटेड फीचर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसकी जो फ्रंट कैमरा वो आपको 32MP का मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 32MP का फ्रंट कैमरा 8000 के अंदर जो काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको फ्रंट और रियर दोनों पे ही फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक 4G चिपसेट। हाँ दोस्तों, ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है और ये प्रोसेसर एक बजट सेगमेंट की प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस ठीक ठाक सा है, आप थोड़ी बहुत गेम प्ले इस डिवाइस पे आप कर सकते हो। उसकी बात इस डिवाइस की सबसे हाइलाइटेड फीचर इसकी रैम रोम है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 8GB रैम और 256GB रोम, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे 8GB 256GB रोम कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा इन्फिनिक्स के अलावा। बात करें इस डिवाइस की बैटरी के बारे में तो इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिलता है, पर यहाँ पे आपको 18W की मिलने वाला, जो एक पॉजिटिव साइड है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट मिलेगा, उसके साथ साथ 3.5 mm जैक भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है XOS 13 और Android 13 OS पर। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी एक ही वेरियंट इंडिया पे अवेलेबल है 8GB 256GB, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। और डिस्काउंट की बात इसकी जो प्राइस वो 8200 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। आप अगर बजट सेगमेंट में एक डिवाइस लेना चाहते हो, ओवरऑल कैमरा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा, रैम रोम ज्यादा मिल जाए, तो इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। ओवरऑल सभी फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो दोस्तों डिवाइस की नाम है Infix Note 12i। ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10,000 था, पर अभी ज्यादातर टाइम ये अंडर 7,000 ही रहता है। यहाँ पे आपको 1,000 या फिर 2,000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो सिर्फ Infix की इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट विद 1000 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस डिस्प्ले पे। और दोस्तों वही भी बात करें इसकी कैमरा की, तो इसकी कैमरा भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा, और उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 2K तक वीडियो को शूट कर सकते हो। अब वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 2K पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अंडर 7000 पे कोई भी डिवाइस पे आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। पर्सनली ये मोबाइल मेरा फेवरेट है फीचर की वजह से। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4GB रैम एंड 64GB रोम। वही पे बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलेगा, जो बजट के हिसाब से काफी शानदार सा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करें इसकी नॉर्मल प्राइस की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी नॉर्मल प्राइस 8499 रुपीस है, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी प्राइस 6890 रुपीस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है, ठीक है। तो आपको अगर एक 4G डिवाइस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके साथ जा सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है टेक्नो के न्यूली लॉन्च डिवाइस टेक्नो पॉप 8। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो फीचर के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैग भी होगा। बैग का आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एक LED लाइट के साथ। जो कैमरा मॉडल है कम्प्लीटली आईफोन जैसा मिलेगा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एक डिजाइन मिलेगा स्क्वायर बॉक्स जैसा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। पर्सनल में जो व्हाइट कलर है वो फेवरेट है, व्हाइट कलर में ये डिवाइस काफी अच्छे लग रहा है। वही पे बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 5 इंच डिस्प्ले मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों उसके साथ आपको 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी मिल जाएगा। वही पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस डिवाइस पे फोन और बैग दोनों जगह पे आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा, जो भी एक यूनिक बात है। और बात किया जाए परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Unisoc की T606 एक चिपसेट, जो 4G है, मतलब ये डिवाइस 4G होने वाला है। वहीं पे आपको 4GB रैम 64GB रोम मिल जाएगा, रैम को आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हो वर्चुअल रैम पे। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन होने वाला है, जो गो एडिशन होगा। बात किया जाए बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 10 वाट चार्जिंग। और सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी
दिया गया है। और दोस्तों यहाँ आपको टाइप सी चार्जिंग मिलने वाला है। इस डिवाइस के आपको दो कलर वेरियंट मिलेगा, एक तो होगा व्हाइट और सेकेंड होगा ब्लैक। तो मुझे तो पर्सनली व्हाइट कलर काफी प्यारा और काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों 4GB प्लस 64GB वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस अभी करंट टाइम में 6500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 की डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 6000 आ जाता है। तो अंडर 6000 में लुकिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा और दमदार सा एक डिवाइस है, तो आप इसे जरूर ले सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बुरा अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस पोको C65 जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। डिवाइस की वेट होने वाले 192 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। ये डिवाइस इन हैंड फील काफी अच्छा देने वाला है। इस डिवाइस की जो कम्प्लीटली लुक है ना वो रेडमी की नोट सीरीज की जैसा ही है, तो लुकिंग वाइज काफी शानदार है। वही बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का लार्ज IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 450 नीट पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलता है, उसके साथ साथ 6.74 मतलब काफी बड़ा एक डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो एकदम वैल्यू फॉर मनी है। उसके साथ साथ बात करें इस डिवाइस के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलने वाला है। और दोस्तों वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है, 6000 पे आपको ज्यादातर डिवाइस 30 मेगापिक्सल का कैमरा ही प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस डिवाइस पे आपको सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का मिल जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Helio G85 चिपसेट जो 12 NM पे बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंथ्रो स्कोर वो 2,50,000 के आसपास है, तो इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छा है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते इसकी सभी आधार फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे मिलने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 6800 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 6200 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वहीं पे जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 7800 है, और जो 8GB प्लस 256GB है उसकी प्राइस 8000 है। तो अंडर 8000 आपको अगर 8GB 256GB वाला रैम रोम डिवाइस चाहिए तो भी आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से अदर फीचर और रैम रोम काफी अच्छा मिल जाता है।